रौनक जैसे ही दूध पीता है उसके पेट में अचानक से दर्द होता है। वो जोरों से चिल्लाता है। रौनक के पापा तुरंत दूध डेयरी पहुंच जाते हैं। दूध डेयरी मेहुल के अंकल की है और काफी पुरानी और फेमस है। क्या आप ये दूध डेयरी को देख के बता सकते हैं ये कितनी पुरानी हो सकती है? 10 साल पुरानी, 25 साल पुरानी या 50 साल पुरानी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। दूध डेयरी की वॉल पे देखिए, इसमें एक फोटो नेहरू जी की है। वो डेयरी के सामने खड़े हैं मेहुल के अंकल के साथ, मतलब ये 50 साल से भी ज्यादा पुरानी है। रौनक के पापा कंप्लेन करते हैं कि दूध में बहुत मिलावट है, तो मेहुल के अंकल कहते हैं कि हमारे यहाँ दूध एकदम स्ट्रिक्ट चेक से पास होता है, और उन्हें अंदर जाके पूरी मशीन्स और रीडिंग दिखाते हैं। सब कुछ बराबर चेक हो रहा था। जरूर आपके बेटे ने बाहर का कुछ खाया होगा, इसलिए उसके पेट में दर्द हुआ है। एक बार एक बूढ़े अंकल अपने घर पे जोरों से चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ, पेट में बहुत दर्द है। क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं क्या खाने की वजह से बूढ़े अंकल के पेट में दर्द हुआ होगा? दूध का ग्लास देखिए आधा भरा हुआ है, मतलब जरूर दूध पीने से ही अंकल के पेट में दर्द हुआ होगा। बूढ़े अंकल की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी थी। दो लोग उन्हें उठा के हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वहीं गांव के लोगों को मेहुल की अंकल की डेयरी पे शक जाता है। वो पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं और पुलिस उन्हें जेल में बंद कर देती है। वहीं दो लोग बूढ़े अंकल को अर्जेंटली हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। थोड़ी बारिश होने लगी थी। उन्हें सामने दो रास्ते दिखते हैं। पहले रास्ते से हॉस्पिटल 9 किलोमीटर है और दूसरे रास्ते से हॉस्पिटल 10 किलोमीटर है। तो सोचिए और मुझे बताइए कौन सा रास्ता लेना चाहिए, ए या बी? भले ही रास्ता ए 1 किलोमीटर कम है, लेकिन वहां रोड नहीं है, मिट्टी का रास्ता है, बारिश हो रही है, कीचड़ हो सकता है और फिसलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो बाइक पे है, वो लोग रास्ता बी लेते हैं और तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और बूढ़े अंकल बच जाते हैं। बूढ़े अंकल बताते हैं कि दूध पीने से ही उनकी हालत खराब हुई थी। मेहुल के अंकल के अगेंस्ट ये एक बहुत बड़ा सबूत मिल गया था। अब तो पुलिस उन्हें नहीं छोड़ने वाली थी। अंकल को बचाने के लिए डिटेक्टिव मेहुल पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। जरूर कोई मेरे अंकल को फंसाने की कोशिश कर रहा है, मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। फिर मेहुल अंकल के पास जाता है तो अंकल उसे बताते हैं, मेहुल मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखता था जिससे लोगों को अच्छा दूध मिले। समझ नहीं आ रहा है ये कैसे हुआ। मेहुल वहां से सीधा अंकल की डेयरी में पहुंच जाता है। डेयरी लॉक्ड है और अंदर जाने के लिए कोड लगेगा। लॉजिकल आर्मी, क्या आप देख के बता सकते हैं अंदर जाने का कोड क्या होगा? डोर पे लोटस, पिकॉक और टाइगर बने हुए हैं और नीचे 4 बटन्स हैं। सही बटन प्रेस करेंगे तो डोर खुल जाएगा। तो वो कौन सा बटन है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। लोटस नेशनल फ्लावर है, पिकॉक नेशनल बर्ड है और टाइगर नेशनल एनिमल है। और इन 4 फ्रूट्स में मैंगो अपना नेशनल फ्रूट है। तो मैंगो प्रेस करने पे डोर ओपन हो जाएगा। मेहुल मैंगो की बटन प्रेस करता है, डोर खुल जाता है और वो डेयरी के अंदर चला जाता है। मेहुल पूरी डेयरी के मशीन्स और इक्विपमेंट्स को अच्छे से चेक करता है। सब कुछ एकदम बराबर था और क्वालिटी चेक्स भी बराबर थे। मेहुल को समझ नहीं आता फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है। जरूर दूध में कुछ ऐसा मिलाया जा रहा है जो ये मशीन्स कैच नहीं कर पा रही है। फिर मेहुल मैनेजर को बुलाता है। मैनेजर बताता है कि सर सफाई और क्वालिटी को लेकर एकदम स्ट्रिक्ट है, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। ये सब दूध कहाँ से आता है और कौन सप्लाई करता है? तो मैनेजर मेहुल को पूरी लिस्ट देता है जिनसे ये मिल्क आता है। तो टोटल 5 सप्लायर्स है, इन लोगों से ही कुछ क्लू मिलेगा। मैनेजर बताता है कि रोज सुबह ये सप्लायर्स अपना मिल्क लेके आते हैं। अगले दिन सुबह सारे सप्लायर्स अपना मिल्क लेके वहाँ आ जाते हैं। मेहुल उनसे सारे सैंपल्स कलेक्ट करता है और डॉक्टर संजना के पास भेज देता है। संजना कन्फर्म करती है कि सारे सैंपल्स एकदम ठीक है। तभी मेहुल को सप्लायर्स में कुछ गड़बड़ लगती है। क्या गड़बड़, क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। लिस्ट में देखिए टोटल 5 सप्लायर्स थे, लेकिन यहाँ पे एक सप्लायर मिसिंग है, सिर्फ 4 सप्लायर्स ही है। जरूर ये सप्लायर तक खबर पहुंच गई होगी, इसलिए ये आज दूध लेके नहीं आया है, इसके बारे में पता करना होगा। मेहुल तुरंत अपनी कार निकालता है और उसके गांव पहुंच जाता है। मेहुल देखता है कि उसके घर पे 10 गाय है और सभी बहुत तंदुरुस्त है। गाय को देख के लगता है
ये उन्हें बहुत अच्छा चारा खिलाता है। मेहुल फिर घर को नॉक करता है और दूध वाले से मिलता है। दूध वाला बताता है कि वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, वो अपनी गाय को तंदुरुस्त रखता है जिससे सबको अच्छा दूध मिले। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो घर पे है। इंटरेस्टिंग, तो फिर ये कौन दूध वाला है जो ऐसा कर रहा है। मेहुल वापस दूध वाले 1-2-3 से मिलता है और सभी यही कहते हैं। फिर मेहुल दूध वाले 4 के घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में मेहुल को एक नदी दिखती है। नदी का पानी हल्का सा ग्रीन था। ये पानी ग्रीन कैसे हो सकता है? जरूर कोई फैक्ट्री के केमिकल्स इस पानी में आ रहे हैं। मेहुल आसपास में फैक्ट्रीज देखना शुरू करता है तो उसे वहां 3 फैक्ट्रीज दिखती है। क्या आप तीनों फैक्ट्रीज को देख के बता सकते हैं कौन सी फैक्ट्री से नदी का पानी गंदा हो रहा होगा? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। पहली फैक्ट्री तो बंद दिख रही है, दूसरी फैक्ट्री के पास इतनी स्वच्छता है, धुआं भी पोल्यूशन फ्री दिख रहा है, ये जरूर तीसरी फैक्ट्री से होगा। मेहुल फैक्ट्री के अंदर जाता है तो देख के शॉक हो जाता है। पूरे फैक्ट्री के हार्मफुल केमिकल्स वो नदी के पानी में छोड़ रहे थे। मेहुल तुरंत पुलिस को फोन करता है और फैक्ट्री के ओनर को पकड़वा देता है और फिर 4th दूध वाले के घर के लिए निकल जाता है। मेहुल गांव के पास पहुंच जाता है तो देखता है वही नदी यहां से भी बह रही है। इंटरेस्टिंग, मेहुल को सामने स्टोन्स का ब्रिज दिखता है। अब गांव तक कास्ते नहीं पहुंच सकते, ये स्टोन्स का ब्रिज क्रॉस करके ही गांव तक पहुंच सकते हैं। मेहुल स्टोन्स पे जंप करना शुरू कर देता है। पहले वो 1, 5, 8, 10 स्टोन्स पे जंप करता है। अब आगे 2 स्टोन्स है, 11 और 12। अब इनमें से किसी एक स्टोन पे ही मेहुल को जंप करना है, नहीं तो मेहुल पानी में गिर जाएगा। तो सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए 11 और 12 स्टोन में मेहुल किस पे जंप करेगा? नंबर का डिफरेंस 1-1 से कम हो रहा है, जैसे 1 और 5 में 4 का डिफरेंस है, 5 और 8 में 3 का डिफरेंस है और 8 और 10 में 2 का डिफरेंस है, तो अगला डिफरेंस हो जाएगा 1, मतलब स्टोन 11 पे मेहुल को जंप करना चाहिए। मेहुल स्टोन 11 पे जंप करता है और गांव में पहुंच जाता है। मेहुल दूध वाले के घर पहुंचता है। दूध वाला मेहुल को देख एकदम घबरा जाता है। मेहुल उसके पूरे घर की तलाशी लेता है लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिलता है। सच सच बताओ, दूध में कौन सा केमिकल मिलाते हो? नहीं नहीं सर, मैं कोई केमिकल नहीं मिलाता हूँ। हाँ, दूध की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए पानी जरूर मिलाता हूँ। और वो मेहुल को उस नदी के पास लेके जाता है। सर, मैं ये नदी का पानी मिलाता हूँ। मेहुल को पूरा किस्सा समझ में आ जाता है, मतलब फैक्ट्री वालों की गलती की वजह से पानी खराब हुआ और वो पानी की वजह से दूध खराब हुआ और दूध की वजह से लोगों की तबीयत खराब हुई। पुलिस मेहुल के अंकल को छोड़ देती है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं इसमें दूध वाले की गलती है या नहीं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बेस्ट आंसर को मैं पिन करूंगा। थैंक यू।